नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गेरुआ पहनने वालों को राजनीति से बाहर रहने की सलाह दी, जिसका निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उनके बयान पर धर्मगुरु राम भद्राचार्य ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि भगवाधारियों को राजनीति करनी चाहिए, न कि सूटेड बूटेड लोगों को। जम्मू कश्मीर के रियासी में बने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकी हमले के खतरे के चलते मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह पुल जम्मू कश्मीर को पूरे देश से जोड़ता है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। भारत ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में बढ़ते खतरों से निपटना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभ्यास में इसरो, डीआरडीओ, सेना और अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत की रणनीतिक तैयारियों पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा वक्फ कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित करेगी, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। उन्होंने वादा किया कि झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता लागू की जाएगी, आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चिमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पर हमला करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया। केरल सरकार ने आईएएस अधिकारी गोपाल कृष्णन को धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप मल्लू हिंदू ऑफिसर्स बनाने पर सस्पेंड कर दिया। गोपाल कृष्णन पर आरोप है कि इस ग्रुप का उद्देश्य अधिकारियों के बीच विभाजन और सांप्रदायिक गुटबाजी पैदा करना था। हालांकि उन्होंने मोबाइल हैकिंग की दलील दी, जिसे खारिज कर दिया गया है। रॉयल इनफील्ड की कुछ बाइक्स की बिक्री में गिरावट आई है, जैसे हंटर 350, क्लासिक 350, बुलेट 350, मेट्योर 350, स्क्रैम 411 और 650 सीसी सेगमेंट की बाइक्स। एसआईएम रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 में बिक्री 410,843 यूनिट्स रही, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 416,887 यूनिट्स था। सर्टीन ने गूगल क्रोम के कुछ वर्जन में सुरक्षा खामियों की चेतावनी जारी की है। हैकर्स इन खामियों का फायदा उठाकर पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं। प्रभावित वर्जन को अपडेट करने की सलाह दी गई है। खासकर विंडोज, मैक और लिनक्स यूजर्स को स्मार्टफोन यूजर्स सुरक्षित हैं। इस साल अक्टूबर में वैश्विक तापमान 1.32 डिग्री अधिक था, जिससे भारत में अभी भी गर्मी बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की कमी और पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों की शुरुआत में देरी हो रही है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में नवंबर में भी गर्मी बनी रहेगी, सर्दी दिसंबर में आएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित करने का दबाव डाला है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है और अगर वे मेजबानी छोड़ते हैं तो साउथ अफ्रीका को यह टूर्नामेंट आयोजित करने का मौका मिल सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2027-28 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य जीडीपी में अहम योगदान दे रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी 7 ट्रिलियन डॉलर को पार करेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अमेरिका दौरे पर हैं और उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमलों पर हैरानी जताई और दोनों ने मुलाकात करने की इच्छा जताई। दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 36 करोड़, ओपनिंग वीकेंड पर 110 करोड़ और पहले हफ्ते में 168 करोड़ की कमाई की। यह कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। एयर इंडिया और विस्तारा का विलय पूरा हो चुका है, जिससे एयर इंडिया समूह अब एक बड़ी पूर्ण सेवा एयरलाइन बन गई है। टाटा समूह के स्वामित्व में एयर इंडिया अब 300 विमानों के बेड़े और 5600 साप्ताहिक उड़ानों के साथ 103 गंतव्यों को कवर करता है। सिंगापुर एयरलाइंस की 25.1% हिस्सेदारी भी होगी। शाहरुख खान की फिल्म कल होना हो 20 साल बाद 15 नवंबर को सिनेमा घरों में फिर से रिलीज होने जा रही है। फिल्म ने 32 करोड़ रुपए के बजट में 82.05 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शाहरुख ने फिल्म की दुखद एंडिंग को लेकर अपनी नापसंदगी जाहिर की थी और अपने बच्चों के लिए एक विशेष एंडिंग तैयार किया था। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगी, जिसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में राहत मिल सकती है। इसके अलावा लग्जरी सामानों पर जीएसटी बढ़ाने, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी घटाने और बजट से जुड़ी आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।
जल सुरक्षा हासिल करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण का प्रस्ताव किया गया है। यह प्राधिकरण गांवों से लेकर शहरों तक जल सुरक्षा, भूजल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन और नदी संरक्षण पर काम करेगा। ड्राफ्ट सभी राज्यों को भेजा गया है और यह जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। दिल्ली मेट्रो ने डीएमआरसी मोमेंटम ऐप के माध्यम से 12 स्टेशनों पर बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। इस सेवा से यात्री मेट्रो से उतरने के बाद आसानी से बाइक टैक्सी बुक कर सकते हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी भी उपलब्ध है। किराया 10 रुपये से शुरू होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी। पिच क्यूरेटर ने बताया कि पर्थ की पिच पर अच्छी गति और उछाल मिलेगी। भारतीय टीम के लिए यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम है। हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी दूसरी बार मां बनी है। यह खबर पंजाबी सिंगर बब्बू मान और उनके पति वीर साहू के साथ एक वीडियो के जरिए सामने आई। वीडियो में बब्बू मान ने बताया कि वे दूसरे बेटे के पेरेंट्स बने हैं। विक्रांत मैसी अपने हालिया बयान के कारण विवादों में है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू या मुस्लिम को खतरा नहीं है और भारत को सबसे अच्छा देश बताया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर आलोचनाएं और समर्थन दोनों आ रहे हैं। कनाडा में हिंदू मंदिरों के कॉन्सुलर कैंप सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई है। खासकर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हालिया हिंसा के बाद ब्रैम्पटन और टोरंटो के मंदिरों में 16-17 नवंबर को होने वाले कैंपों को सुरक्षा खतरों के कारण रद्द किया गया है, जिससे हिंदू समुदाय में गहरी चिंता और असुरक्षा फैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 10.8 लाख यानी कि 10,08,000 से अधिक पारंपरिक कारीगरों को कौशल विकास और ऋण सुविधा प्रदान की गई है। इसमें महिलाएं और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और गुजरात जैसे राज्यों में प्रशिक्षण का प्रमुख योगदान है। मर्सिडीज ने भारत में अपनी नई C63 AC परफॉर्मेंस लॉन्च की है, जिसकी कीमत 1,95,00,000 रुपए है। यह कार 2.0 लीटर यानी 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 470 HP पावर और 6.1 kWh बैटरी पैक मिलता है, जिसकी मदद से आप कार को बिना पेट्रोल के 13 किलोमीटर तक चला सकते हैं। पाकिस्तान ने चीन को आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का आश्वासन दिया है, खासकर जब पाक में काम कर रहे चीनी वर्करों पर हमले बढ़े हैं। चीन ने कहा कि वो अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। CPEC प्रोजेक्ट के खिलाफ बलूच आतंकवादियों के हमले जारी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हेल्थ इंश्योरेंस पर GST को हटाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी थी। GST काउंसिल की 21-22 दिसंबर को बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स कम करने पर चर्चा हो सकती है। 18% टैक्स को खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। भारतीय सेना ने प्रचंड हेलीकॉप्टर की उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में फायरिंग का सफल परीक्षण किया है। यह हेलीकॉप्टर 5,000 मीटर ऊंचाई तक हथियारों और ईंधन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से तैयार किया। व्हाट्सएप लॉक की गई चैट्स को छिपाने के लिए सबसे पहले चैट्स को लॉक करें, फिर सीक्रेट कोड सेट करें और उसे कंफर्म करें। इसके बाद लॉक चैट्स को छिपाने के लिए सेटिंग्स में जाकर लॉक किए गए चैट छिपाएं ऑप्शन को ऑन करें। जर्मनी के हैमबर्ग में एक व्यक्ति को एक रहस्यमय दस्तावेज मिला, जिसमें देवनागरी में कुछ लिखा था। भारतीय यूजर्स ने इसे हिंदू पंचांग बताया, जो 150 से 180 साल पुराना था और वाराणसी के भार्गव प्रेस से प्रकाशित था। दस्तावेज का महत्व था, हालांकि कीमत कम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा में राज्य के दूसरे एम्स का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से मिथिलांचल और तिरहुत क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। 1700 करोड़ रुपए की लागत से 1264 करोड़ रुपए के बजट में 750 बेड वाले अस्पताल का निर्माण होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है संजीव कुमार, राम बाबू दास, सत्या बाबू, बाबूलाल मरांडी और अक्षय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि भारत किसी भी देश की तुलना में सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के रहने के लिए सबसे सुरक्षित देश है और सबसे सुरक्षित स्थान है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।